वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उमेर नई। लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि पीपीएससी में हम ऑनलाइन चालान फॉर्म कैसे जमा करवा सकते हैं, इसके मुतालिक आप लोगों को मुकम्मल डिटेल दी थी। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि शिफा हॉस्पिटल में एडमिशन आए हुए हैं, उसी के मुतालिक आप लोगों को मुकम्मल डिटेल दूंगा। अगर उससे पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो सबसे पहले चलते हैं एडमिशन शेड्यूल क्या है, एडमिशन शेड्यूल पर देख लेते हैं और फिर आप लोगों को बताता चलूँ कि इसमें MBBS एडमिशन, BDS शिफा, नर्सिंग, मैं यहाँ नर्सिंग के लिए बेस्ट माना जाता है ये इदारा तो इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। और कीप इन माइंड मैं वही बताता हूँ जो इदारे बेस्ट माने जाते हैं। तो यहाँ मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये इन्होंने एडमिशन ओपन किए हुए हैं और जो प्रॉस्पेक्टस एप्लीकेशन फ़ी वाउचर जो होता है वो इनका 3500 रुपये का होता है, HVL फॉर्म में जमा करवाना होता है। इसके बाद आप लोगों ने सीधा आ जाना है इनकी फ़ी पे, आ जाते देख लेते हैं कि फ़ी क्या सिस्टम है, फ़ी का फ़ी स्ट्रक्चर, और फिर ऑनलाइन एडमिशन पे चलेंगे। तो BSN नर्सिंग के एडमिशन ओपन है तो उसी के हवाले से फ़ी स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं BSN नर्सिंग का। तो ओवरऑल इनका BSN नर्सिंग का जो एडमिशन होता है वो तकरीबन 5 लाख रुपये का पैकेज होता है BSN नर्सिंग का। तो मैं आप लोगों को इनकी फ़ीस बता दूं, इन्होंने कहा अपडेटेड सून, जल्द ही अपडेट कर देंगे BSN नर्सिंग की जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो जल्द ही अपडेट करेंगे। तो आप लोगों का बताता चलूं कि अप्लाई कैसे करना है। अगर हम देख लें MSN नर्सिंग की शायद दी हुई है, चलो MSN नर्सिंग की दी हुई है, वो है इनका टोटल 6,50,716 रुपये। ये लेंगे आप लोगों से चार्ज करेंगे, रिफंडेबल है या नहीं ये आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद एडमिशन प्रोसेस क्या है इनका, चलो एडमिशन प्रोसेस आप लोगों को बताता चलूँ और फिर अप्लाई कैसे करना है ये डिटेल में बताऊंगा। एडमिशन प्रोसेस फॉर BDS, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, जनरल पॉलिसी, ये तमाम बताया हुआ है। तो डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं वो बता दूँ आप लोगों को। डॉक्यूमेंट्स जी यहाँ आप लोगों को रिक्वायर्ड होंगे रिसेंट फोटोग्राफ, रिसेंट फोटोग्राफ विद वाइट बैकग्राउंड, पासपोर्ट साइज पहले वाला वाइट 1x1 इंच, 4 कॉपीज, 4 कॉपीज, कैरेक्टरिस्टिक सर्टिफिकेट 1 कॉपी, SSC सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होता है ये भी 2 कॉपीज होनी चाहिए आपके पास। तो इसी तरह HSCC का भी 2 कॉपीज होनी चाहिए आपके पास, सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्राम IBCC से, ये होता है जनाब इंटर बोर्ड चेयरमैन कमेटी का रजिस्टर्ड होता है, वहाँ से आप लोगों को साइन करवाने पड़ते हैं। स्टूडेंट CNIC नंबर होना चाहिए, डोमिसाइल पेरेंट गार्डियन CNIC नंबर, MCAT, ETA, NTS, ETS, HEC इंट्री टेस्ट हैज़ केस, एज द केस मे बी ओरिजिनल होना चाहिए, NOC फ्रॉम अदर बोर्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग डिस्ट्रिक्ट लिया से हैं तो अगर आप फेडरल वाले बोर्ड में जा रहे हैं तो आपको यहां से NOC लेना पड़ेगा। मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड, मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो आप लोगों का सर्टिफिकेट होगा वो भी सबमिट करवाना है विद ओरिजिनल आफ्टर दी एडमिशन, एडमिशन के बाद आप लोगों को ओरिजिनल जमा करवाना है। तो अब इसके एप्लीकेशन का ऑनलाइन एडमिशन देख लें, ऑनलाइन एडमिशन आप लोगों को बताते चलूँ होगा। तो ये ऑनलाइन एडमिशन आ चुका है, रजिस्टर ऑनलाइन एडमिशन के लिए आप लोग यहाँ रजिस्टर पर क्लिक करेंगे और आप लोग मेन एडमिशन पोर्टल पर आ चुके हैं। तो यहाँ ये इनमें एडमिशन ओपन है जो कि 10 अगस्त का फार्मा डी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी है और BSN बैचलर इन साइंस नर्सिंग है, मैनेजमेंट साइंसेज, MS, MBA, BBS, इस SCS एसोसिएट ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस, BSCS बैचलर साइंस इन कंप्यूटर साइंस, ये तमाम इदारों में एडमिशन ओपन है। तो आप लोगों ने जिसमें एडमिशन लेना हो वो वाला क्लिक करें।
और मेरी रिसर्च के मुताबिक मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अलशिफा की बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग भी बेस्ट है अगर आप लोग यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं तो। कोई और अगर प्राइवेट अप्लाई करना चाहते हैं तो आई थिंक अलशिफा इज़ वन ऑफ द बेस्ट, तो यहीं अप्लाई करें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि अलशिफा में अप्लाई करें तो अलशिफा मैं कहता हूँ बेस्ट है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। तो एडमिशन क्लोज्ड फ्राइडे होगा 23 सितंबर 2022 को, और इसी के मुतालिक आप लोगों ने क्या करना है, अपने एडमिशन के मुकम्मल डिटेल यहाँ देनी और फिर सेंड कर देना है। तो मैं अब आप लोगों के एडमिशन के लिए उनका वेबसाइट ये उन्होंने दी हुई है, तो एडमिशन की वेबसाइट पर अब हम चलते हैं। तो ये हम एडमिशन की वेबसाइट पर आ चुके हैं, रजिस्ट्रेशन की इन्होंने यहाँ रजिस्ट्रेशन करनी है और उसके बाद आप लोगों ने मुकम्मल डिटेल देनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अप्लाई कैसे करना है। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह निगेबान।